सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज अरहान सैफी एंड यू आर वॉचिंग द फार्मा वर्ल्ड चैनल। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था नॉर्मल फंक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और कॉमन बेसिक टर्म्स के बारे में। आई होप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और जिसको ना समझ में आया यार, वो अपना डाउट क्या है कमेंट सेक्शन में लिख देना। कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम एक क्लास ले लेंगे लाइव आके या कैसे भी जो है, और उस सारे डाउट्स को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो जितने भी डाउट्स बने उनको अपने कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स क्रैक इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देयर आर सिक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो यार, इसको एक ही बार में समझना है कि जो है हमारी बॉडी जो है कैसे ऑर्गेनाइज है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर मान लिया मैंने, ये क्या है, एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है। और तुम्हें पता है सेल्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। सेल्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। सेल्स आपस में कनेक्ट होके क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं, ठीक है। और टिश्यूज आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गन आपस में मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडीज जो है बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल्स होती है। सेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। फिर टिश्यूज आपस में मिलके एक पर्टिकुलर शेप मिल जाता है, उस शेप को क्या बोल देते हैं, ऑर्गन बोल देते हैं। फिर ऑर्गन आपस में मिलके एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लग जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। लेकिन यार देखो, सेल्स भी जो होती है ना, सेल्स भी जो होती हैं, वो जो है बेसिकली किससे मिलके बनी होती हैं, केमिकल से मिलके बनी होती हैं। किनसे मिलके बनी होती है, केमिकल से मिलके बनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें सेल की मेम्ब्रेन की, तो जो सेल की बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो भी किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। यानी कि अगर तुम बेसिक यूनिट देखो तो सेल के अंदर भी क्या है, केमिकल्स है। क्या है सेल के अंदर, केमिकल्स। तो हमारी जो पूरी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है उसका सबसे बेसिक लेवल क्या हो गया, केमिकल्स। क्या हो गया, केमिकल्स। यानी कि वो एटम, या जैसा कि इस फोटो में जो है आप देख पा रहे हो कि जो है सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन हो या यहाँ पे तुम्हारा ऑर्गेनिज्म भाई अपना प्यारा सा चूहा है ना, रैट है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो यार, लेकिन जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। लेकिन अगर तुम सेल के अंदर भी देखो तो सेल के अंदर क्या होते हैं, छोटे मोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं। यानी कि सबसे फर्स्ट लेवल क्या हो जाएगा, केमिकल लेवल हो जाएगा। सबसे फर्स्ट लेवल क्या हो जाएगा, केमिकल लेवल। फिर केमिकल कंबाइन होके एक क्या बना लेते हैं, सेल बना लेते हैं, जो कि एक फंक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाती है। यानी कि एक अगर हमारे पास सेल है तो वो अपने आप को क्या करने बनाने लग जाती है, काम करने लायक बना लेती है। फिर सेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। जैसा कि तुम जो है यहाँ पे भी देख पा रहे हो, सेल्स ने आपस में मिलके क्या बनाया, टिश्यूज बनाया। यानी कि सेल टुगेदर होकर टिश्यू बना के एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लग जाते हैं। फिर टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाने लग जाते हैं, ऑर्गन बनाने लग जाते हैं। जैसे ये तुम्हारा ऑर्गन दिखाई दे रहा है ना, तो ये ऑर्गन क्या है तुम्हारा, ये स्टोमक है। तो कोई भी ऑर्गन है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप आ जाती है। देखो टिश्यू में कोई शेप नहीं है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, लेकिन ऑर्गन क्या है, एक शेप धारण कर लेता है और एक जो है बेटर फंक्शन करने के योग्य बना लेता है। वहीं अगर वो सिस्टम में आ जाए, जैसे ये ऑर्गन सिस्टम दिख रहा है, तो ये ऑर्गन सिस्टम किससे रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो उसमें सिर्फ स्टोमक नहीं रह जाएगा, स्टोमक एक ऑर्गन है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो जाएगा, तुम्हारे स्टोमक के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ऐसे करके क्या है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा। यानी कि तुम्हारे ऑर्गन्स क्या है, बढ़ने लग जाएंगे। यानी ऑर्गन्स कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, केमिकल लेवल, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल। फिर वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं। फिर सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। फिर टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर शेप का ऑर्गन बना लेते हैं। फिर ऑर्गन आपस में मिलकर क्या करने लग जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और वो सिस्टम क्या करता है, बढ़िया से काम करने लग जाता है। जैसे तुम्हारा कोई भी सिस्टम हो गया क्या, जैसे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रहे हैं ना, देखो ऑर्गन था एक, लेकिन फिर क्या हो गया, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, यानी कि बना लेता है कंबाइन होके। फिर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी कि पूरा जब सिस्टम बन जाएगा
तो एक ऑर्गेनिज्म तुम्हारे आगे तैयार हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म तुम्हारे आगे खड़ा हो जाएगा। जैसे देखो ये ऑर्गेनिज्म है तो उसका अगर बेसिक यूनिट्स देखे तो वो किससे मिलके बना हुआ है, केमिकल से मिलके, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। और वहीं अगर फंक्शन के रूप में देखे तो एक सेल ही है बेसिक यूनिट जो क्या कर रही होगी, फंक्शन कर रही होगी। वहीं सेल्स आपस में मिल मिल के अच्छा काम करने के लिए आपस में क्या बना रहे होंगे, टिश्यूज बना रहे होंगे। और वही टिश्यूज आपस में मिल मिल के क्या बना रहे होंगे, एक ऑर्गन बना रहे होंगे, जो ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। लेकिन ऑर्गन्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फॉर बेटर फंक्शन, और अच्छे से फंक्शन करने के लिए तो क्या बना लेते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और ऐसे ही कई सारे ऑर्गन सिस्टम जो है पूरा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे ये ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक आधा सिस्टम नहीं है, बल्कि बहुत सारे क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम होंगे। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तुम्हारा नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम मिलकर क्या है, एक ऑर्गेनिज्म को तैयार कर रहे हैं। तो समझ में आ गया सबको, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बेसिक क्या है, केमिकल्स हैं, फिर केमिकल्स मिलके आपस में सेल्स बना रही हैं, फिर सेल्स मिलके टिश्यूज बना रहे हैं, एंड टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, ठीक है ना। और ये तुम्हारा जो है डायग्राम में भी अच्छे से दिखा दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक के बारे में डिटेल स्टडी। तो जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बेसिक लेवल क्या था, केमिकल्स। तो केमिकल्स मैंने बताया, इट इंक्लूड्स एटम्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल्स में सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी, एटम्स होगी, है ना। वेरी बेसिक लेवल, सबसे बेसिक लेवल क्या है केमिकल्स के अंदर भी, एटम, ठीक है ना। जैसा कि हमारे महर्षि केनार्ड भाई साहब ने कहा था कि एटम्स आर द इंडिविजुअल पार्ट, सबसे बेसिक यूनिट है। बहुत सारे साइंटिस्ट डाल्टन ये सब क्या बोल के गए कि एटम्स आर द बेसिक लेवल, ऐसी हमारे जो है सेल्स के अंदर जो बेसिक लेवल होता है केमिकल वो क्या है, एटम्स है। फिर वो एटम्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, टू और मोर एटम्स ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं लिखता हूं हाइड्रोजन को ऐसे और मैं लिखता हूं हाइड्रोजन को ऐसे, तो ये होता है मॉलिक्यूल्स, ये क्या होता है मॉलिक्यूल्स, और ये क्या होता है एटम। तो ये तो सबको पता है ना, अगर हाइड्रोजन का एक है तो वो एटम कहलाता है। वही हाइड्रोजन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हमारी भी सेल्स के अंदर बेसिक यूनिट होती है एटम्स, और एटम्स आपस में मिल मिल के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे कि तुम्हारे बेसिक एटम्स क्या हो गए, कोन, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सबसे बेसिक क्या है, कोन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फिर फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है, ये क्या है, क्रूशियल मेंटेनिंग लाइफ, यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर सबसे बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि बेसिक एटम्स से यही पाए जाते हैं जो फंक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जितने भी हमारे जो सेल्स होते हैं उनके जो पार्ट्स बने होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो कौन पाए जाते हैं, यही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक लेवल केमिकल लेवल पे क्या हो गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे बेसिक लेवल केमिकल पे क्या हो गया, एटम्स प्लस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। एटम्स ही हैं और आपस में एटम्स मिल मिल के क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा लेवल क्या था, सेलुलर लेवल था, यानी कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके जो है एक पर्टिकुलर सेल बना रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था एक सेल है, तो सेल के जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन मैंने बताया किससे मिलके बनी होती है, सबको याद कर लेना है, फॉस्फोलिपिड से। किससे मिलके बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। तो देखो इसमें फॉस्फोरस भी है और एक लिपिड भी है। लिपिड क्या होता है, तुम्हारी फैटी एसिड, यानी कि तुम्हारी कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन की लंबी चेन होती है। तो जैसा कि दिख रहा है इसके अंदर क्या है, एटम्स प्रेजेंट है, जैसे फॉस्फोरस है और लिपिड के अंदर बहुत सारे कार्बन प्रेजेंट है। तो ये एटम्स क्या थे, बेसिक लेवल थे, केमिकल लेवल थे, केमिकल से स्टार्टिंग हुई थी। फिर ये क्या बना रहे, सेल्स के स्ट्रक्चर बना रहे, जैसे सेल मेम्ब्रेन बना दिया, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सब होते हैं। यानी कि हमारी जितनी भी सेल्स हैं और जितने भी उसके सेल ऑर्गेनिलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, या तुम्हारी जो है ये मेम्ब्रेन हो गई, है ना, प्लांट में सेल वॉल हो गई, तो ये जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं बेसिकली वो तो बने तो केमिकल्स ही हैं। तो स्टार्टिंग तो केमिकल लेवल थी, लेकिन अब वो केमिकल्स मिलके क्या बना दिए, एक सेल बना दी। तो हम किस पे पहुंच गए, अब सेलुलर लेवल पे पहुंच गए, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सेल, यानी कि सेल भी बिना एटम या मॉलिक्यूल के नहीं बन सकती, एटम और मॉलिक्यूल मिलके ही क्या बना रहे, तुम्हारी सेल बना रहे। फिर सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका बेसिक फंक्शन करने के लिए केमिकल्स काफी नहीं है, यानी कोई एटम या मॉलिक्यूल जो है कोई काम करवा दे इंसान में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये पॉसिबल नहीं है।
उसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना पड़ता है, यानी कि सेल बनानी पड़ती है। जैसे मेम्ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में कुछ स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर एक पर्टिकुलर सेल बनाती है, और ये एक सेल ही क्या होती है, इंडिपेंडेंट लिव कर सकती है। ये सेल ही क्या कर सकती है, इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि ये क्या है, अपने आप में ही एक अलग जीवित रह सकती है। जैसे तुमने देखा होगा अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ही सेल का ऐसा जीव जो जिंदा रह सकता है, यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए और फंक्शन कराने के लिए जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। यानी कि सेल्यूल तुम्हारा जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी अगर तुम केमिकल को कंसिडर ना करो फंक्शन में, तो तुम किससे स्टार्ट करोगे, सेल से करोगे। लेकिन याद रखना सेल्स भी किससे बने, यार केमिकल से बने, ठीक है ना। तो सबको समझ आ गया। फिर क्या है, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स मसल सेल, नर्व सेल, एपिथेलियल। देखो सेल्स भी क्या है, अलग अलग टाइप के, जैसे मसल की हो गई अलग सेल्स, मसल्स में कुछ अलग रिक्वायरमेंट होती है तो उनके सेल स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं। नर्व में कुछ अलग रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्टिमुलस को लेना, उसका रिप्लाई दिलाना, तो उसको अलग अलग काम करना पड़ता है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। एपिथेलियल सेल जैसे तुम्हारी स्किन हो गई, स्किन के अंदर क्या होती है, एपिथेलियल सेल, तो उसमें क्या होती है, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो उसमें मसल सेल्स का कोई काम नहीं है, नर्व सेल का कोई काम नहीं है, वहां पे जरूरत है किसकी, एपिथेलियल सेल की। तो पर्टिकुलर जो भी तुम्हारी सेल्स हैं वो अलग बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग काम के हिसाब से क्या है, डिवाइड होती है। जैसे मसल में अलग काम है तो सेल्स अलग टाइप की है, नर्व में नर्वस सिस्टम में अलग सेल की जरूरत है, एपिथेलियल में एपिथेलियल अलग सेल की जरूरत है। तो हमारी सेलुलर लेवल भी जो है, यानी कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स कंबाइन होकर एक सेल्स बनाती हैं, वो सेल भी कोई नॉर्मल नहीं होती, वो बॉडी टू बॉडी वैरी करती है अपने फंक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब क्या है टिश्यू लेवल, अब क्या है टिश्यू लेवल। तो हमने सबसे पहले केमिकल्स पढ़े, फिर केमिकल्स ने कंबाइन होकर सेल्स बनाई, फिर सेल्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। तो टिश्यू मैंने बताया था क्या, सेल्स आपस में जो है कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाते हैं। और याद रखना टिश्यू बनाने का काम ही इसलिए होता है क्योंकि एक सेल कोई एक ही काम कर सकती है, लेकिन वहीं बहुत सारी सेल्स मिल जाए तो काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर फंक्शन में जो है काम करने की आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यार कोई प्रोजेक्ट मिलता है स्कूल से या कॉलेज से, तो उस प्रोजेक्ट को अगर एक बंदा कर रहा है तो वो क्या है, गलती भी कर सकता है और जो है टाइम भी लगेगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। लेकिन वहीं चार पांच बंदों को जो है एक ही प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो उसको वो आसानी से कर सकते हैं। ऐसी अगर एक सेल को जो है कोई काम संभालने को दे दिया जाए तो उसको मुश्किल होगी। इसलिए सेल क्या करती है, आपस में कंबाइन होती है और कंबाइन करके फॉर्म कर देती है क्या, टिशू फॉर्म कर देती है, यानी कि ग्रुप ऑफ वो सेल क्या कहलाता है, टिशू कहलाता है, जो वर्क करता है टुगेदर, आपस में मिलके जो है अच्छा काम करने के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए क्या होता है, योग्य बन जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि सेल्स कंबाइन होती है टिशू फॉर्म करने के लिए, क्यों, क्योंकि टिशू क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को आसानी से कर सकता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी कंटेन्स बेसिकली चार टाइप ऑफ टिशू, एक होता है एपिथेलियल टिशू, एक होता है कनेक्टिव टिशू, फिर होता है मस्कुलर टिशू, फिर क्या होता है, नर्वस टिशू। तो ये क्या हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से समझ लो। जैसे एपिथेलियल टिश्यू तुम्हारा सबसे आसान एग्जांपल क्या है, स्किन के अंदर होता है। स्किन के अंदर कौन सा टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि स्किन के अंदर आपस में सेल्स मिल मिलके एक ऐसा टिश्यू बनाती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को समझ लो जैसे तुम ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू को समझ लो जैसे तुम ब्लड, तो ब्लड के अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे WBCs हो गई, RBCs हो गई। तो मैंने बोला ना एक सेल है तो सेल बोलते हैं, लेकिन RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये बहुत सारी सेल्स हैं। तो ये बहुत सारी सेल्स, जैसे मान लो तुम्हारी आर्टरी है उसके अंदर RBC भी है, WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है, तो ये बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाने लग जाती है, टिशू बनाने लग जाती है। क्या बनाने लग जाती है, टिशू। तो यार कनेक्टिव टिशू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लड बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, उसे कनेक्टिव टिशू बोलते हैं। ब्लड इज वर्ड कनेक्टिव टिशू। टिशू किस लिए, क्योंकि उसके अंदर एक सेल नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी सेल है, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट्स भी है, तीन तरह की सेल है, और भी बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो सेल्स आपस में मिलकर टिशू बना रही है। और कनेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लड एक बॉडी पार्ट को दूसरी बॉडी पार्ट तक कनेक्ट करने में हेल्प करता है, इधर से उधर बहाने में हेल्प करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, उसे कनेक्टिव टिशू बोलते हैं। इसे ऊपर ऊपर से समझो, क्योंकि अभी जो है हम डिटेल में इसे आगे डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स के अंदर, मस्कुलर टिश्यू यानी कि मसल्स के अंदर। अब मसल्स भी जो है कई तरह की होती हैं, जैसे तुम्हारी स्केलेटल मसल्स होती है जो स्केलेटल सिस्टम यानी कि बोन्स बोन से रिलेटेड होती है, फिर तुम्हारी स्मूथ मसल होती है जो स्मूथ सिस्टम, जैसे तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना। तो वहां पे जो सिस्टम होते हैं यानी कि जो स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं वहां पे जो मसल होती है वो स्मूथ मसल होती है ना। तो
तो मसल्स भी क्या अलग अलग होते हैं, वैरी करते हैं, तो वहाँ के टिश्यूज भी क्या करते हैं, वैरी करते हैं, तो इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या नर्वस टिश्यू, देखो नर्वस टिश्यू में जैसे तुम्हारी नर्व सेल है कोई, वो आपस में मिलकर क्या बना लेती है, नर्वस टिश्यू बना लेती है, पूरा नर्वस सिस्टम भी बनेगा, है ना। तो ये भी क्या आगे चल के हम बात करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, टिश्यू लेवल समझ में आ गया, यानी कि सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, फिर टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कम्बाइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन एंड रिकॉग्निजेबल शेप। जैसा कि मैंने बोला यार, टिश्यूज के पास एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज वाला शेप नहीं होता, लेकिन ऑर्गन्स के पास रिकॉग्नाइज वाला शेप होता है। जैसे तुमने यार डायग्राम में देखा था, डायग्राम में मैंने दिखाया था ना, देखो ये तुम्हारा स्टोमक दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है ना जस्ट ये क्या है, जस्ट लाइक अ जे शेप। कैसा है ये, जे शेप है। देखो ये कैसा लग रहा है, जे शेप है। तो क्या ऑर्गन एक पर्टिकुलर रिकॉग्निजेबल शेप, यानी जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वैसा शेप ले लेता है, वैसा शेप क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। तो ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन भी क्या है, स्पेशल फंक्शन करेगा और अच्छे से फंक्शन करेगा टिश्यू से। और मेन बात क्या है, रिकॉग्निजेबल शेप, यानी कि इसके शेप को भी तुम क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन आर स्टोमक, जैसे मैंने बोला स्टोमक है, स्टोमक को तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो यार, क्या कि वो जे शेप है ना। स्किन हो गई, बोन्स हो गया, हार्ट हो गया, है ना। अब देखो हार्ट है, तुम्हारा हार्ट का क्या होता है, हार्ट के शेप को भी क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे इसका क्या होता है, क्लिंज में, यानी कि एक मुट्ठी बंद क्या होता है, शेप होता है। तो ऐसे क्या है, तुम ऑर्गन्स को क्या कर सकते हो, और स्पेसिफिक एक तो फंक्शन तो जबरदस्त करेंगी टिश्यू से बेहतर, बाकी इनका जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इसके शेप वेप के बारे में भी तुम बता सकते हो, ठीक है ना। लंग्स हो गया, ब्रेन्स हो गया, लीवर हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ऑर्गन भी समझ में आ गया। अब क्या है, सिस्टम लेवल, यानी कि ऑर्गन सिस्टम, ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ऑर्गन भी क्या होते हैं, वेल फंक्शन करने के लिए आपस में कंबाइंड होते हैं, यानी कि ऑल द ऑर्गन विद कॉमन फंक्शन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम, है ना। देखो ऑल द ऑर्गन विद कॉमन फंक्शन क्यों बोला, कॉमन फंक्शन इसलिए बोला, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ले रहा हूं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या होंगे, कॉमन होंगे, यानी कि वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होगा। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम अपने आप में ही एक सिस्टम है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑर्गन्स भी कॉमन फंक्शन के होंगे, वो कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो, देखो दिखा रहेगा ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, माउथ से स्टार्ट होता है ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर सलाइवरी ग्लैंड पे पहुंचता है, फिर फेरिंग्स पे पहुंचता है, फिर ईसोफेगस पे पहुंचता है, फिर स्टोमक पे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लीवर, गॉलब्लैडर। देखो इसको समझने की कोशिश करना, सबसे पहले तुम्हारा मान लिया मैंने माउथ से स्टार्टिंग हुआ, किससे स्टार्टिंग हुआ, माउथ से, सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ माउथ से, ठीक है। फिर ये माउथ क्या करता है, माउथ के अंदर क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, माउथ के अंदर क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। फिर ये क्या करता है, कॉमन ओपनिंग में जाके खुलते हैं, फिर क्या करता है ये, कॉमन ओपनिंग में जाके खुलते हैं, उस कॉमन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, उस कॉमन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, ठीक है ना। ये फिर फेरिंग्स क्या करता है, यानी कि जो कॉमन ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग क्यों बोल रहे हो, क्योंकि माउथ भी यहीं से खुलता है, तुम्हारा ईयर हो गया, नोज हो गया, जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ पे आके खुलती हैं, फेरिंग्स पे आके खुलती हैं। फिर ये फेरिंग्स क्या करता है, ये जो कॉमन ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो नीचे क्या ले जाता है, एक ईसोफेगस, यानी कि जो फूड पाइप होती है, जो तुम्हारी फूड पाइप होती है, उसे क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है ना। फिर वो ईसोफेगस कहाँ पे आके खुलती है, फिर वो ईसोफेगस तुम्हारा स्टोमक में कहाँ पे खुलती है, स्टोमक में, और स्टोमक कैसा था, जे शेप, ठीक है ना, वो कहाँ खुलती है, स्टोमक में आके खुलती है। फिर स्टोमक क्या बनाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्टोमक क्या बनाते हैं, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं, यानी कि जो तुम्हारा स्टोमक है वो कहाँ पे खुल के खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर ये सब ना हम बाद में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्या तुम्हें ऊपर ऊपर से समझना है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है, ठीक है ना। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से लास्ट ओपनिंग क्या होती है, एनस के थ्रू खत्म हो जाता है, ये तुम्हारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। बाकी लीवर का क्या काम होता है, ये तुम्हारे बाइल जूस देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है वो बाइल जूस,
वही पैनक्रियास क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट हैं ये ऑर्गन्स किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी कि ये जितने भी ऑर्गन है, माउथ हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कहने का मतलब ये है, अभी तुम्हें क्या समझना है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपस में कनेक्ट होकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, यानी कि ये ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी जो है तुम्हारा पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यानी ऑर्गन्स ने आपस में मिलकर क्या बनाया है, ऑर्गन सिस्टम बनाया है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ तक तो सबको याद हो गया होगा, बेसिकली केमिकल्स ने आपस में मिलकर सेल्स बनाई, सेल्स ने फिर टिश्यूज बनाए, फिर टिश्यूज ने टिश्यू सिस्टम बनाया, फिर वो टिश्यू बनाया, टिश्यू ने क्या ऑर्गन्स बनाए, फिर ऑर्गन्स ने आपस में मिलकर क्या बनाया, एक सिस्टम लेवल जनरेट कर लिया, जिसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो लास्ट लेवल हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है ना, लास्ट लेवल क्या है, ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी कि ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टोटल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम ह्यूमन बॉडी में या किसी भी बॉडी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो काम करने के बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हुआ है, इसलिए लास्ट लेवल क्या है, ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ये सबको समझ में आ गया, एक बार रिकैप ले लेते हैं। सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, केमिकल्स, यानी कि केमिकल्स ने आपस में मिलकर सेल बनाई, फिर सेल्स ने आपस में मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यूज ने आपस में मिलकर क्या है, ऑर्गन बनाया, जो क्या है, पर्टिकुलर रिकॉग्निजेबल शेप का होता है। फिर ऑर्गन ने आपस में मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, फिर ऑर्गन सिस्टम आपस में काम कर रहे हैं, तभी तो तुम्हारे आगे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म खड़ा हुआ है। तो लास्ट लेवल क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म लेवल। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो ठीक है भाई, ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ तक पढ़ के आना, जो भी डाउट हो यार कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम एक ही क्लास में क्या है उसे सबको क्या है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।